अस्सलाम वालेकुम लेटेन स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का ही क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। पहला वीडियो लेक्चर जो था उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यानी स्टैंडर्ड फॉर्म और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके बाद प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह को सॉल्व करने का तरीका क्या था और फैक्टराइजेशन मेथड से हमने सवाल को सॉल्व किया था। आज हम मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मली अब भी आता तो ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता। तो एक ये प्रोसेस है, उस प्रोसेस को समझना, उस प्रोसेस से सारे सवाल होने, सवाल इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक दफा प्रोसेस समझने की देर है। स्लाइड स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व द फॉलोइंग बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब मैंने कहा कि ये मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से सारे सवाल होने हैं, इसमें 8-10 पार्ट हैं जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो तकरीबन पहले 7-8 में से सवाल आ जाता है। तो कोशिश करूंगा कि जितना मेरे वीडियो में टाइम अवेलेबल है उसमें साथ जितने मैक्सिमम क्वेश्चन तक करवा देता हूँ। पार्ट नंबर 1, 7x² + 2x - 1 = 0। तो इसका प्रोसेस है, सबसे पहले प्रोसेस का पहला हिस्सा है कि द कोफिशियंट ऑफ x² शुड बी 1। जैसा x² का जो भी कोफिशियंट होगा उससे दोनों साइड को डिवाइड कर देंगे ताकि x² का कोफिशियंट जो है वो आप 1 बना सकेंगे। लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 7, क्योंकि x² का कोफिशियंट 7 है। तो अगले सवाल में देखेंगे जो भी x² का कोफिशियंट होगा अगर 1 के अलावा है तो उससे सब दोनों साइड को पहले डिवाइड कर देंगे। अब जब हम दोनों साइड को डिवाइड करेंगे तो देखें 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो x² + 2/7x - 1/7 आ जाएगा, क्योंकि जब 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 को 7 से डिवाइड किया तो 2/7x हो जाएगा, -1/7 = 0/7 mean 0। सेकेंड स्टेप, जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको उठा के राइट हैंड साइड पे ले जाएं, सो x² + 2/7x = ये -1/7 है, उधर जाके 0+1/7 हो जाएगा, यानी 1/7 आ जाएगा। यानी पहले दो स्टेप में हमने क्या करना है कि पहले स्टेप में हमने देखना है कि अगर x² का कोफिशियंट 1 नहीं है तो जिस भी जो भी उसका कोफिशियंट होगा उससे दोनों साइड को डिवाइड कर देना है, और सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म होगी उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। और फिर थर्ड स्टेप में जाने से पहले अब ये देखें, इसको परफेक्ट स्क्वायर हम बनाने की कोशिश करते हैं, यानी x² + 2/7x = 1/7। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीकाकार क्या है कि जो एक्स का कोफिशियंट है यानी 2/7, इसके हाफ का स्क्वायर लेंगे और दोनों साइड पे ऐड कर देंगे। दोबारा बता देता हूं, टेकिंग हाफ ऑफ द कोफिशियंट ऑफ एक्स, यानी एक्स के कोफिशियंट का हाफ लेंगे और उसका स्क्वायर लेने के बाद दोनों साइड पे ऐड कर देंगे। ये मैंने यहाँ पे वर्किंग में शो किया हुआ कि देखें एक्स का कोफिशियंट 2/7 और 2/7 का हाफ लेने का मतलब है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से। अब जो भी आंसर आएगा सिंपलेस्ट फॉर्म उसको देख लेंगे, यानी अगर ये देखें 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 1/7 बच जाएगा, तो 1/7 का होल स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड कर देते हैं। सो एडिंग 1/7 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा x² + 2/7x + 1/7 का होल स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब राइट हैंड साइड पे चलेंगे कि 1/7 पहले वहां पे मौजूद था, उसमें अब ऐड कर देंगे +1/7 का होल स्क्वायर। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है ये एक परफेक्ट स्क्वायर ऑलरेडी बन चुका हुआ, यानी a² + 2ab + b² ये अंडरस्टूड है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चेक करके बताया हुआ कि जब भी आपने इसके हाफ का स्क्वायर ऐड कर दिया तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब डिपेंड करेगा कि अगर मिडिल टर्म का साइन पॉजिटिव है तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा, अगर मिडिल टर्म का साइन नेगेटिव होता तो a - b होल स्क्वायर बनेगा। यानी वो कैसे पता लगेगा, तो x + 1/7, यानी ये a है x की जगह और b की जगह 1/7 आ जाएगा, और मिडिल टर्म जो है वो 2ab होती है, तो इसको हम लिखेंगे x + 1/7 का होल स्क्वायर। प्लस इसलिए लगाया क्योंकि जो मिडिल टर्म का साइन है वो पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव होता तो x - 1/7 का होल स्क्वायर लिख लेते। और जो राइट हैंड साइड है इसको एक्सपेंड कर लेंगे, 1/7 + 1/7 का होल स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 1/49। अब अगर आप इसको कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, एलसीएम से भी ले सकते हैं, तो 7
1 ओवर 7 प्लस 1 ओवर 49 करेंगे तो आ जाएगा 8 ओवर 49। अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम x प्लस 1 ओवर 7 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 ओवर 49 का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, यानी x प्लस 1 ओवर 7 x प्लस 1 ओवर 7 आ जाएगा। अब 8 का स्क्वायर रूट होता है 2√2 और 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, तो उसको लिखेंगे प्लस माइनस 2√2/7। अब देखें हमने वैल्यू क्योंकि x की निकालनी होती, अब प्लस 1 ओवर 7 इधर ऐड हो रहा है, इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 7 प्लस माइनस 2√2/7। अब इसको हम एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ लिख सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो आपको पता है उसको एक दफा लिखा जाता है और न्यूमरेटर में जो ऑपरेशन है उसको एज इट इज लिख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू माइनस 1 प्लस माइनस 2√2/7, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम था उसको एक ही दफा लिखा जाता है। लिहाजा हम सॉल्यूशन साइड लिख देंगे माइनस 1 प्लस माइनस 2√7। चाहे तो इसको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, वो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इसको दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है कि अगर प्लस माइनस के सिर्फ साइन का डिफरेंस तो इकट्ठा भी लिख सकते हैं, वरना इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 1 माइनस 2√2/7 कॉमा माइनस 1 प्लस 2√2/7। पार्ट नंबर 2 सेम प्रोसेस करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस ए इज इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 करने के लिए डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स को बाय ए, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर ओवर ए करेंगे तो ए से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए एक्स माइनस ए ओवर ए करेंगे तो 1 आ जाएगा। सेकंड स्टेप, कॉन्स्टेंट हम माइनस 1 है, इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस 1 यानी 1 हो जाएगा। अगेन 4 ओवर ए यानी जो x का कोफिशियंट है उसका हाफ लेने का तरीका बता है कि 4 ओवर ए को मल्टीप्लाई करें 1 ओवर 2 और उसका स्क्वायर ले लें। तो ये देखें यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 यानी 2 ओवर ए आ जाएगा। तो एडिंग 2 ओवर ए का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स कर देंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए एक्स प्लस 2 ओवर ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 ओवर ए का होल स्क्वायर। अब अगेन लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने कहा ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, किसका, x का और 2 ओवर ए का, तो इसको लिखेंगे x प्लस 2 ओवर ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को एक्सपेंड करेंगे 1 प्लस, अब 2 ओवर ए का होल स्क्वायर जब लेंगे तो ये हो जाएगा 4 ओवर ए स्क्वायर। अब क्योंकि पिछले क्वेश्चन में तो हमारे पास नंबर थे तो हमने उसका कैलकुलेटर से आंसर निकाले थे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 1 ओवर 1 कर लें ताकि इसका हमें एलसीएम लेना है। तो आपको ये पता है एलसीएम लेने का तरीका कि 1 और ए स्क्वायर का एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें यानी जैसे क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ए स्क्वायर प्लस 4 1 जा 4 यानी ए स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए स्क्वायर आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट को स्क्वायर को खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे। सो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 ओवर ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अब स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे x प्लस 2 ओवर a, और राइट हैंड साइड पे देखें कि ए स्क्वायर प्लस 4 जो ऊपर वाली टर्म है वो तो अंडर रूट में रहेगी, लेकिन जो डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर है जब उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आ जाएगा a। तो लिखेंगे x प्लस 2 ओवर a इज इक्वल टू, आपको पता है जब स्क्वायर रूट लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन लगाना होते हैं, सो प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 ओवर a। अब इसी चीज को हम अलग-अलग करके लिख लेंगे क्योंकि ये जो प्लस 2 ओवर ए है इधर राइट पे लेफ्ट हैंड साइड पे, अब इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे प्लस 2 ओवर ए तो जाके माइनस 2 ओवर ए हो जाएगा। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 ओवर ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए आ जाएगा। अब क्योंकि अगेन डिनोमिनेटर सेम है तो इसको एक दफा लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए, और यही हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, 11x² माइनस 34x प्लस 3। अगेन x² का कोफिशियंट 11 है, अब डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 11 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x² माइनस 34 ओवर 11x प्लस 3 ओवर 11 इज इक्वल टू 0।
सेकेंड स्टेप के जो कॉन्स्टेंट टर्म है 3/11 इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें, एक्स स्क्वेयर माइनस 34/11x इज इक्वल टू माइनस 3/11, और फिर इसकी वर्किंग करें कि माइनस 34/11 का हाफ लेने का तरीका यही बताया कि 34/11 को मल्टीप्लाई करें 1/2 से, और फिर जो आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म है उसका स्क्वेयर लेके दोनों साइड पे ऐड कर देंगे। तो जब हम 34 और ये 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 2 17 34 होता है, तो ये हो जाएगा 17/11। तो 17/11 का होल स्क्वेयर दोनों साइड पे ऐड कर दें, सो एडिंग 17/11 होल स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स। अब ऐड कर देते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 34/11x प्लस 17/11 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 3/11 प्लस 17/11 का होल स्क्वेयर। अब अगेन अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो मिडिल टर्म है इसमें माइनस का साइन आ रहा है, लिहाजा ये जो परफेक्ट स्क्वेयर बनेगा वो बनेगा एक्स माइनस 17/11 का होल स्क्वेयर। सो एक्स माइनस 17/11 का होल स्क्वेयर, पहले दोनों पार्ट्स में पॉजिटिव टर्म थी मिडिल टर्म, लिहाजा वहाँ पे प्लस का साइन आ रहा था, क्योंकि मिडिल टर्म हमारी नेगेटिव है, लिहाजा हम एक्स माइनस 17/11 का होल स्क्वेयर लिखेंगे। और राइट हैंड साइड को एक्सपेंड कर लेते हैं, माइनस 3/11 प्लस 17 का स्क्वेयर लिया तो आ गया 289, और 11 का स्क्वेयर लिया तो आ गया 121। अब यहाँ पे हम कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 256/121। या हम इसको मैन्युअली भी कर सकते हैं कि 121 11 का एलसीएम लें तो आ जाएगा 121 प्लस 11 11 जार तो 11 3 जार 33, यानी माइनस 33 प्लस 289 करेंगे तो 256/121 है। लेकिन नंबर्स हैं, ऐसे कैलकुलेटर अलाउड है तो आप कैलकुलेटर से आंसर लिख सकते हैं। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, सो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 17/11 का होल स्क्वायर, तो स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 256/121। अब 256 भी जो है परफेक्ट स्क्वेयर है, यानी इसका आंसर आ जाएगा 16/11। आप कैलकुलेटर भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये तो अंडरस्टूड है कि 256 का स्क्वेयर रूट होता है 16 और 121 का स्क्वेयर रूट होगा 11। तो एक्स माइनस 17/11 इज इक्वल टू प्लस माइनस 16/11 हो गया। अब ये जो माइनस 17/11 इसको राइट साइड पे ले जाएं तो उधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, सो एक्स इज इक्वल टू 17/11 प्लस माइनस 16/11। अब यहाँ पे देखें कि ये दोनों नंबर्स हैं, लिहाजा इसको हम आगे फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं, लिहाजा हम इसको लिखेंगे एक दफा 17/11 माइनस 16/11 और फिर 17/11 प्लस 16/11। जब स्क्वेयर रूट में था यानी उसका फर्दर सोल्यूशन पॉसिबल नहीं था तो अब हम उसको उसी फॉर्म में लिखे, लेकिन इसका फर्दर सोल्यूशन पॉसिबल है, लिहाजा एक स्टेप और आगे जाएंगे, तो लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 17/11 माइनस 16/11 या प्लस 16/11, यानी एक दफा पॉजिटिव के साथ और एक दफा नेगेटिव के साथ। तो 17/11 प्लस 16/11 होगा 33/11 विच इज इक्वल टू 3, एंड एक्स इज इक्वल टू 17/11 माइनस 16/11, एंड 17 माइनस 16 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/11। हेंस द सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 and 1/11। अब पार्ट नंबर 4 जो है वो मैंने यहाँ पे स्किप किया है, क्योंकि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 1.2 उसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला का कॉन्सेप्ट है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले की जब मैं डेरिवेशन करवाऊंगा तो पार्ट नंबर 4 बिल्कुल वैसा ही है जैसा ये हम उस वक्त करेंगे। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ, 3x² + 7x = 0। अब इसमें क्या है कि देखें ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन इसमें कॉन्स्टेंट टर्म मिसिंग है, तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कॉन्स्टेंट नहीं तो उसको हम कैसे डिस्कस करेंगे, तो इसका मतलब है जो टर्म मिसिंग है वो समझे जीरो है, लिख लें तो भी ठीक है ना लिखें तो भी ठीक है, क्योंकि जो हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना था वो हमें मिडिल टर्म को देख के बनाना होता है, तो इसका मतलब जो थर्ड टर्म हमारी मिसिंग है वो यहाँ पे जीरो है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 बनाते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, तो ये हो जाएगा x² + 7/3x = 0, क्योंकि इसमें थर्ड टर्म का कोई इशू है ही नहीं, या जब हम मिडिल टर्म देखें 7/3x यानी 7/3 का हाफ लें और उसका स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड कर देंगे, तो 7/3 का हाफ हो जाएगा 7/6, तो लिखेंगे एडिंग स्क्वायर ऑफ 7/6 या 7/6 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा हमारे पास x² + 7/3x प्लस 7/6 का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे 0 + 7/6 का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 7/6 का होल स्क्वायर, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, वो लिखें ना लिखें से कोई फर्क नहीं पड़ता।
अब देखें लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन गया, क्योंकि अगेन मिडिल टर्म हमारी पॉजिटिव है, तो ये बनेगा x प्लस 7 ओवर 6 का होल स्क्वायर। और राइट हैंड साइड पे हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे, 7 ओवर 6 का होल स्क्वायर का मतलब हो गया 49 ओवर 36। अब अगेन सेम प्रोसेस, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो x प्लस 7 ओवर 6 का होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। और राइट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट ऑफ 49 ओवर 36, अब 49 भी परफेक्ट स्क्वायर है 7 का और 36 है 6 का, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 7 ओवर 6 और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, आंसर आ जाएगा हमारे पास x प्लस 7 ओवर 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 ओवर 6, विच इम्प्लाइज दैट। अब ये देखो x प्लस 7 ओवर 6 है, ये दूसरे साइड पे लेके जाएंगे तो जाके माइनस 7 ओवर 6 हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर 6 प्लस माइनस 7 ओवर 6। अगेन दोनों नंबर्स हैं, लिहाजा इनको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, तो एक जगह माइनस साइन के साथ और एक जगह प्लस साइन के साथ लिखेंगे। सो माइनस 7 ओवर 6 माइनस 7 ओवर 6 विच इज इक्वल टू माइनस 14 ओवर 6, सो विच इज इक्वल टू माइनस 2 ओवर माइनस 7 ओवर 3, क्योंकि 2 के टेबल से दोनों की कटिंग कर दें। और माइनस 7 ओवर 6 प्लस 7 ओवर 6 एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएंगे, जैसा आंसर आ जाएगा 0। सो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर 3 एंड 0। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 और 8 अब करेंगे, क्योंकि पार्ट नंबर 6 में बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने पहले दो पार्ट्स करवा दिए हैं, ऐसा वो आप करेंगे तो खुद ही हो जाएगा, लेकिन 7 और 8 थोड़े से डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है मतलब सिंपल फॉर्म में नहीं दिए गए, जैसा ये दोनों करवा दूंगा, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 15 ओवर 2 इज इक्वल टू 7 ओवर 2x। अगेन सबसे पहले हमने देखना है कि एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ पे माइनस 1 है तो माइनस 1 भी हमें नहीं चाहिए। अब दो तरीके हैं, कि एक तो ये है कि जी माइनस 1 से बोथ साइड्स को डिवाइड कर दें, लेकिन आसान तरीका क्या होता है, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वेयर को पॉजिटिव करने के लिए इसका तरीका है कि इसको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करते हैं, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड पर दोनों टर्म्स हैं माइनस एक्स स्क्वेयर और प्लस 15 ओवर 2, इन दोनों को राइट साइड पर शिफ्ट करते हैं तो वहाँ जाके पॉजिटिव 1 बन जाएगा। तो यही करने लगा हूँ, तो हम इसको माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 15 ओवर 2 को राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, तो वहां पे जाके एक्स स्क्वेयर प्लस 7 ओवर 2 एक्स, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी पॉजिटिव था और 15 ओवर 2 यहाँ पे पॉजिटिव था, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो यानी अभी मैंने क्या किया, एक्स स्क्वेयर प्लस 7 ओवर 2x इज इक्वल टू 15 ओवर 2, क्योंकि सिर्फ ये किया है कि जो माइनस एक्स स्क्वेयर है उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, उसको फिर सीधा करके लिख लिया, तो उधर जाके वो पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 7 ओवर 2x और 15 ओवर 2 वहां पे ऑलरेडी था, इसलिए उसको उधर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाद में भी तुमने उसको उधर ट्रांसफर करना था। अब x का कोफिशियंट है 7 ओवर 2, इसका हाफ का स्क्वेयर लें, तो ये देखें 7 ओवर 4 हो जाएगा, तो 7 ओवर 4 का उसके दोनों साइड पे ऐड कर देते हैं, सो एक्स स्क्वेयर प्लस 7 ओवर 2x प्लस 7 ओवर 4 का होल स्क्वायर आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। इस तरह राइट हैंड साइड पे आ जाएं, 15 ओवर 2 पहले से मौजूद था, तो 15 ओवर 2 प्लस 7 ओवर 4 का होल स्क्वायर। अगेन अब लेफ्ट हैंड साइड पे फार्मूला बन गया, अगेन मिडिल टर्म में हमारे पास पॉजिटिव साइन है, तो ये बन जाएगा x प्लस 7 ओवर 4 का होल स्क्वायर। और राइट हैंड साइड पे हम उसको एक्सपेंड कर लेंगे, यानी 15 ओवर 2 प्लस 7 ओवर 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा 49 ओवर 16। अगेन दोनों नंबर्स हैं, कैलकुलेटर से आंसर निकाल लें, कैलकुलेटर से आप आंसर निकालेंगे तो आ रहा है 169 डिवाइडेड बाय 16। अब दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 ओवर 4 का होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो x प्लस 7 ओवर 4 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट ऑफ 169 ओवर 16 लेंगे, तो 169 परफेक्ट स्क्वायर है 13 का और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास x प्लस माइनस 7 ओवर 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 13 ओवर 4। फिर ये जो x प्लस 7 ओवर 4 है इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो उधर जाके माइनस 7 ओवर 4 हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर 4 प्लस माइनस 13 ओवर 4। अगेन दोनों नंबर्स हैं, जैसे इनको अलग अलग करके लिखेंगे, सो x इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर 4 माइनस 13 ओवर 4, एक दफा नेगेटिव के साथ, तो ये आंसर आ जाएगा माइनस 20 ओवर 4 विच इज इक्वल टू माइनस 5, एंड x इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर 4 प्लस 13 ओवर 4, तो 13 माइनस 7 करेंगे तो 6 ओवर 4, तो 6 ओवर 4 को जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो वो आ जाएगा 3 ओवर 2। Hence, solution set is equal to minus 5 and 3 by 2.
नेक्स्ट पार्ट नंबर 8. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 17x/33+4. पहले देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, जैसा पहला स्टेप हमारा सेव है. सेकंड स्टेप से शुरू करेंगे कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं. सो एक्स स्क्वायर प्लस 17x इज इक्वल टू -33/4. अब एक्स का कोफिशिएंट है हमारा 17, इसका हाफ लें तो 17/2 हो जाएगा. तो एडिंग 17/2 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, अब ऐड कर देते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 17/2 का होल स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई. अब राइट हैंड साइड पे लिखेंगे -33/4, ये पहले से वहां मौजूद है. अब इसमें ऐड कर दें 17/2 का होल स्क्वायर. लेफ्ट हैंड साइड में हमारा फार्मूला बन गया एक्स प्लस 17/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि अगेन मिडिल टर्म में पॉजिटिव साइन था, जैसा एक्स प्लस 17/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा. राइट हैंड साइड को एक्सपेंड करें -33/4 प्लस 289/4. अब यहाँ पे अगेन नंबर्स हैं तो कैलकुलेटर से आप आंसर निकाल सकते हैं, विच इज इक्वल टू 256/4, और इसको 256 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 64 आ जाएगा. अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 17/2 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 64. अब 64 आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर है 8 का, तो आंसर आ जाएगा एक्स प्लस 17/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8. अब जो 17/2 है इसको पॉजिटिव है, उधर ले जाकर नेगेटिव कर देंगे, तो एक्स इज इक्वल टू -17/2 प्लस माइनस 8. अब अगेन एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ, सो -17/2 माइनस 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कैलकुलेटर यूज करेंगे, -33/2 आ गया. एंड x इज इक्वल टू -17/2 प्लस 8 विच इज इक्वल टू -1/2. हेंस सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू -33/2 एंड -1/2, या -1/2 एंड -33/2. उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा, क्योंकि जो सवाल आसान था, एक सर्टन प्रोसेस है, 5 स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को आपने याद रखना है कि पहला स्टेप क्या है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए. अगर नहीं है 1 तो जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे दोनों साइड को डिवाइड कर दें. सेकंड स्टेप में कांस्टेंट टर्म को आपने उठाकर शिफ्ट कर देना टुवर्ड्स राइट साइड पे, फिर जो एक्स का कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर लेके दोनों साइड पे ऐड करना है. और हाफ लेने का तरीका क्या है, जो भी एक्स का कोफिशिएंट हो उसको मल्टीप्लाई कर दें 1/2, और उसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएं, और उसके बाद उसका स्क्वायर लेके दोनों साइड पे ऐड कर दें. फिर अगर थर्ड टर्म आपकी पॉजिटिव है, जो मिडिल टर्म अगर आपकी पॉजिटिव है तो ए प्लस बी होल स्क्वायर बनाएं, अगर मिडिल टर्म आपकी नेगेटिव है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएं, फिर दोनों साइड का स्क्वायर रूट लें. स्क्वायर रूट लेने के बाद अगर तो आंसर रेडिकल फॉर्म में आ जाता है, यानी जिसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, तो वही हमारा आंसर होगा एक दफा पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ. लेकिन अगर दोनों नंबर्स आते हैं तो फिर अगर नेगेटिव वाले को ज्यादा सॉल्व करें, पॉजिटिव वाले को ज्यादा सॉल्व करें, और फिर दोनों को सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख दें. उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, और जिन लोगों ने इसको अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस फर्दर फ्यूचर में आने वाली है तो वो भी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल सकेंगी. तब तक के लिए अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 से साथ आपकी खिदमत दोबारा हाजिर होऊंगा. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह.